कोविड से भी कई गुना खतरनाक महामारी आ जाए तो क्या होगा। अगर कहीं सुनामी, कहीं तूफान, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप बड़े स्तर पर होने लग जाए तो क्या होगा। अगर मनुष्यों को खाद्य के लिए अन्न ना मिले तो क्या होगा। अगर मनुष्यों को पीने के लिए साफ शुद्ध जल ना मिले तो क्या होगा। अगर बड़े संख्या में व्यापार नौकरियां समाप्त हो जाए तो क्या होगा। इन सब का उत्तर एक है, तृतीय विश्व युद्ध। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने तिब्बती ग्लेशियर से निकाले 15,000 साल पुराने वायरस। जब पूछा गया कि क्या यह वायरस मानव जाति के लिए खतरा बन सकता है अगर संक्रमित होकर फैल गया तो, उत्तर में वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, कोई संकट नहीं है। परंतु साथ में ये भी कहा कि 33 वायरस में से 28 वायरस जो निकले हैं उनके बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। यह आज के विज्ञान के लिए बिल्कुल भी नया है। जब 33 में से 28 वायरस के बारे में एक बूंद का ज्ञान तक नहीं है, फिर कैसे कह दिया कि यह मानव जाति के लिए कोई खतरा नहीं है। और ऊपर से जो ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहे हैं, पृथ्वी के अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं, उनको खोदकर संकट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए किसने अनुमति दे दी। विज्ञान मानव कल्याण के लिए होता है, लेकिन आज कुछ वैज्ञानिक उसी विज्ञान के माध्यम से मानव जाति को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। ये सब मैं इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि 600 सालों पूर्व पंच सखाओं की रचना ग्रंथों की माला मालिका में ये वर्णित है कि ग्लेशियर्स में छुपा हुआ एक पुराना वायरस फिर से बाहर आकर मानव जाति को विनाश करेगा और इसका इलाज किसी के पास नहीं होगा। ये वायरस इतना विनाशकारी होगा कि केवल कुछ ही सेकंड्स में लोगों की मृत्यु हो जाएगी। और मुझे पूरा शक है कि तिब्बत के ग्लेशियर से निकले हुए 15,000 साल पुराने 33 वायरस में से एक वही होगा। इन सभी वायरस को एक लैब में रखा गया है। अगर एक छोटी सी गलती हुई तो हम सबको मालूम है परिणाम क्या होगा। दुनिया में एकमात्र राष्ट्र भारत ही है जिसके सभी पड़ोसी देश डूब चुके हैं, आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान का हालत बेहद खराब है। इन सब पर एक ही कहावत लागू होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भारत ने बार बार इन सब को समझाया, फिर भी इन सब ने चीन की गुलामी की, ढेर सारा कर्ज ले लिया। अब चुकाने का वक्त आया तो ठन ठन गोपाल। भारत खुद अनेकों संकटों का शिकार है, फिर भी हमने हमारे पड़ोसी देशों की जरूरत से ज्यादा मदद की है। लेकिन क्या यह मदद काफी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दुश्मन चीन इनके अंदर घुस चुका है और चीन इन सब पर कभी भी कब्जा कर सकता है बिना किसी रोक के। और अगर इन सब पर चीन का कब्जा हो जाएगा, जिसका आरंभ हो चुका है, तो भारत पूर्ण रूप से सभी दिशाओं से घिर जाएगा। भविष्य मालिका की वो वाणी तो आपको याद ही होगी, चीन प्लस 13 इस्लामिक राष्ट्र। पूरे विश्व में केवल 3 देशों को छोड़ के
भारत, रूस एवं चीन बाकी सभी देशों में अनाज संकट बड़े स्तर पर आरंभ हो चुका है। कुछ देशों में तो भूखमरी से हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। कुछ देशों में तो अनाज के लिए दंगे हो रहे हैं। कुछ देशों में पैसा तो है लेकिन खरीदने के लिए अनाज नहीं है। 28 से ज्यादा देशों से सनातनी हमारे इस परिवार से जुड़े हैं। मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि हर पल के साथ मानव जाति पर संकट बढ़ते जा रहा है। इन विपरीत परिस्थितियों का हम सबको एक साथ होकर लड़ना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। अपना विचार अवश्य कमेंट करें। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।